हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं, मेरा पूजा वगैरह हो गई है और बाल ना मेरे अभी तक झाड़े वगैरह नहीं है, क्योंकि हमारे तरफ ना ये होता है, सब जगह का अलग अलग रिवाज, रीति रिवाज होते हैं। तो मेरे इधर का यही रीति रिवाज है कि बाल इसलिए बोलना चाहूँगी कि पहले के वीडियो में मैंने ये कहा था कि 9 दिनों तक नहीं, 8 दिनों तक। 8वें दिन ना नवरात्र के 8वें दिन माता को चढ़ता है श्रृंगार, पूरा श्रृंगार हम लोग चढ़ाते हैं और इसके बाद से हम लोग सारा श्रृंगार करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने उस दिन गलती से मुझसे बोला गया था 9 दिनों इस तरह से रहते हैं, तो 9 दिनों इस तरह से नहीं रहते हैं। 8वें रोज़ हम लोग माता जी को चढ़ाते हैं सारे श्रृंगार, इसके बाद हम लोग भी श्रृंगार करते हैं सारे चीज़ें। और सिर्फ इधर भगवान जी को, माता जी को पूजा करती हूँ तो थोड़ा उन्हीं का सिंदूर और रोली लगा लेती हूँ बस, और इसके सिवा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे वीडियो में, बाल तो हो गया मेरा 5 दिन झाड़े हुए। तो फ्रेंड्स, अभी तो मेरी पूजा हो गई है, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो दोपहर का खाना बना रही हूँ अभी, और सुबह का नाश्ता बना ली हूँ, और बनाने के बाद बच्चे को दे दी हूँ। और अभी छुट्टी नहीं हुआ है बच्चों का स्कूल का, तो वो स्कूल का छुट्टी हो जाएगा 1-2 रोज में। तो अभी आज है 5वां दिन, नवरात्रा का 5वां दिन है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को शुभकामनाएं, नवरात्रि सभी लोग करते हैं और बहुत ही धूमधाम से करती हूँ। और मैं अपने जिस तरह से मैं करती हूँ उसी तरह से मेरी वीडियो में जाता है, मैं कोई फेक या फिर कोई झूठी चीज़ें नहीं दिखाती हूँ वीडियो में। अब लोग करने वाले झूठी चीज़ क्या दिखाएंगे, दिखा ही नहीं सकते, जो रियल है वही दिखाते हैं भी। और तो इसलिए मैं भी पूरी रियल ही दिखाती हूँ, जो भी मैं करती हूँ सारे चीज़ें आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि जानना हक है आप लोगों का। आप लोग को जो फ्रेंड बनाते हैं तो हम एक एक चीज़ दिखाना होता है, जो भी मैं करती हूँ ना वो सारी चीज़ दिखाती हूँ। कोई इसमें कोई भी झूठ नहीं डालना चाहती हूँ, क्योंकि झूठ से कभी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है, ये मेरा मानना है। तो सच आदमी बोलना भी चाहिए और सच्ची चीज़ें हमें दिखाना भी चाहिए। तो फ्रेंड, जा रही हूँ अब खाना बनाने, और खाना बनाने के बाद अभी तो थोड़ा नवरात्र चल रहा है ना, तो बहुत थोड़ा हो रहा है मुझसे, बहुत सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि 8वीं रोज फिर बहुत सारे काम हो जाएंगे मेरे। तो चलिए धीरे धीरे ये सारे काम कर लेती हूँ। और मैं बता दूँ कि मैं फल पर ही अभी फ़िलहाल रह रही हूँ, लेकिन हाँ, नमक भी मैं कहा जाता ना कि पहला तो नवरात्र जब भी करते हैं ना तो नमक खा लेनी चाहिए, सेंधा नमक वाले खाते हैं लोग, करते हैं ऐसे। तो मैं सेंधा नमक खा चुकी हूँ, इसलिए क्योंकि अगर फल में एनर्जी नहीं मिले तो वो भी खा सकती हूँ। मैं हूँ वही मैं दिखाती हूँ, कोई अलग थलग मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो इसलिए आप लोगों को अगर पसंद आए हमारा वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो फ्रेंड्स, जा रही हूँ खाना बनाने, दोपहर का खाना बनाने जा रही हूँ, और यहाँ पर ये दिखा रही हूँ आपको दाल। तो इसमें ना मैं दाल 3 तरह का बनाती हूँ, 3 दाल मिक्स करके हमेशा रखी रहती हूँ डिब्बे में। तो राहर, मूँग और राहर को शायद आप लोग कुछ और कहते होंगे, पता नहीं मुझे, मैं तो राहर ही कहती हूँ। और मसूर और मूंग दाल है, 3 दाल है जो मैं फेंट के रखी रहती हूँ। चना दाल नहीं फेंट के रखती हूँ, चना दाल मैं अलग करके रखती हूँ, क्योंकि चना दाल का कभी कभी दाल हम लोग बनाते हैं, सिर्फ चना दाल तड़का वगैरह बनाते हैं या फिर कुछ और बनना रहता है तो बनाते हैं, लेकिन दाल में मैं मिक्स नहीं करती हूँ। और यहाँ पर दाल में मैं सिंपल सा दाल बना रही हूँ, तो सिंपल सा दाल में मैं नमक हल्दी ही डालती हूँ बस, और कुछ भी नहीं डालूँगी इसमें, सिंपल सा दाल बना देती हूँ। और ऐसी ही सिंपल सा दाल सबको मेरे यहाँ पसंद पड़ता है,
तो ये देखिए, और यहाँ पर ना मैं गुनगुना रही हूँ, तो इस वक्त ना मेरा यहाँ पर भजन बज रहा है, तो उसी को मैं गुनगुना भी रही हूँ और खाना भी बना रही हूँ। तो क्या होता है ना, मेरी आदत है जब भी मैं कुछ करती, मतलब कुछ काम भी करती रहती हूँ ना, तो भजन लगा देती हूँ या फिर कोई सॉन्ग लगा देती हूँ और गुनगुनाती रहती हूँ और इसी तरह बनाती रहती हूँ। मतलब ज़िंदगी है खुशियों भरा, फिर लौट कर आएगा नहीं, तो हर चीज़ को एंजॉय करके जिया जाए। तो यहीं पर मैं जब भी, मेरी आदत है काम करने लगती हूँ ना, तो सॉन्ग या फिर भजन लगा देती हूँ और लगा कर मैं अपना काम भी करती हूँ और मुंह पर भजन होता है या फिर सॉन्ग होता है, यही गुनगुनाती रहती हूँ। इस तरह से हमारी ज़िंदगी कट रही है। और यहाँ पर ये देखिए, चावल भी मैं निकाल लेती हूँ, तो नीचे मैं चावल ही रखती हूँ डिब्बे में, और चावल मैं डेढ़ गिलास ले रही हूँ, एक गिलास और आधा गिलास। तो फ्रेंड्स, मैंने दूसरे गैस भी चालू कर दी हूँ और उस पर मैं दाल चढ़ा दी हूँ और उस पर मैं चावल को चढ़ा दी हूँ, इसलिए ना क्योंकि उधर का आँच थोड़ा कम है और इधर के आँच थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि गैस में आप देखते होंगे कि एक गैस होता है ना जो कम देता है आँच, और दूसरी गैस जो होता है जो ज़्यादा होता है, छोटा बड़ा होता है। और यहाँ पर देखिए, मैं करेला की भुजिया भून रही हूँ और चार भिंडी थे वो भी मैंने इसमें काट दिया है और चार मिर्च काट कर इसमें डाल दी हूँ। बस इसी से मैं भुजिया इसका बना देती हूँ। और पता है, अगर आपको बिना लहसुन प्याज का भुजिया करेला का बनाना होना, तो बहुत ही सिंपल आसान तरीका है, थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाल दीजिएगा उसमें, तो एकदम खर खर और क्या होता है, एकदम रेड रेड कलर हो जाता है ना, तो इतना स्वाद लगता है ना कि पूछिए मत। बच्चे तो खूब खाए थे इस भुजिए का। मेरे घर में ना करेला कुछ कम लोग खाते हैं, लेकिन बनाती हूँ ना, तो अच्छे से अगर भून दिया जाए ना, तो बहुत ही टेस्ट इसका बढ़ जाता है और बच्चे भी खाने लगता है, उसका तीतापन ना चला जाता है ज़्यादा भुनने से। तो इसमें ना तेल हल्का ज़्यादा डाल के अगर इसको बनाए ना, तो बहुत ही स्वाद इसका बढ़ जाता है, बच्चे भी खा लेते हैं करेला का। तो यहाँ पर मेरा करेला का भुजिया चढ़ा हुआ है और इधर मैं मांजने आ गई हूँ बर्तन, जो कि पीतल वाले बर्तन हैं, कढ़ाई में मैंने बनाया था तो उसी का बर्तन है जो मांज रही थी, तो उधर मैं छोड़ दी कढ़ाई को और मैं उधर चलाने गई हूँ भुजिया, और दाल भी छोंक दी हूँ। तो सारा मेरा काम हो गया है और बहुत छोटा सा वीडियो है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक करते हैं।